जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके पहले हम फार्माकोलॉजी में एक चैप्टर एटलीस्ट ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं, देखिए सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार ये सब्जेक्ट है। ठीक, और इसमें हम चैप्टर नंबर का पहला देखेंगे, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, लेक्चर नंबर सेकेंड में आपको पूरे चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। ये छोटा चैप्टर है, आज बायोकेमिस्ट्री उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल होता क्या और माइक्रो मॉलिक्यूल होता क्या इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन बायोकेमिस्ट्री। ठीक, तो ये आपका चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम देखा जाए तो यानी इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, मतलब सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना, मतलब किसी चीज़ के जानने से पहले, जैसे दोस्ती बनाने से पहले हम उसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, भाई कहाँ से हो कैसे हो, तो उसी को हमें क्या देखना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे दे रखा बायोकेमिस्ट्री, देखिए जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं एकदम से बहुत सारे बुक के रेफरेंस लेकर लिखी गई हैं और एकदम से इजी से और इजी तरीके में हम यूज करना सब्जेक्ट को, जो वर्ड यूज किया गया एकदम से मस्त तरीके से यूज किया गया। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आपका देखते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला पॉइंट में देखिए क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ से पहले पॉइंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया है, पहला पॉइंट लिखा है बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी लाइफ के बारे में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता, बायोकेमिस्ट्री कहलाता। यदि वर्ड को तोड़ा जाए, ठीक है, वर्ड को यदि तोड़ा ही जाए तो देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक, बायो मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी भी लिविंग की लाइफ क्या कहलाती है, लिविंग ऑफ, लाइफ ऑफ लिविंग लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, यानी लाइफ ऑफ लिविंग लिखना चाहिए था। और केमिस्ट्री और प्लस में यदि केमिस्ट्री देखी जाए तो केमिस्ट्री मतलब क्या होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन रहता है तो उसी को हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। वर्ड से देखिए बायो हो गया और केमिस्ट्री यहाँ से अलग तोड़ दिया गया है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रिएक्शन चल रहा है, जैसे हम बताओ इस समय सोच रहे हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई केमिकल एक जगह से दूसरे जगह सराव होती है। जैसे आप रसगुल्ला खाने गए, रसगुल्ला तो मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में पानी आओ तो क्या होगा, हमारे अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप फुल्की खाने गए, फुल्की तो समझते हैं ना, ठीक है, ठीक, फुल्की खाने गए तो उसमें क्या होता है, यदि एक फुल्की दिया दूसरा फुल्की देते से पहले ही मुँह में क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। ठीक, या स्टार्टिंग में ही पानी आ जाता है तो हमारे अंदर पानी आ जाता है, हमारे मुँह में सलाइवा यानी एंजाइम सिक्रीट होने लगता, वो केमिकल रिएक्शन है। तो वही चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज कॉइन बाई कार्लस नॉरबर्ग इन 1903। आप देखिए यहाँ से आप ध्यान रखिए और याद रखते चलिए, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है आपके यहाँ से। ठीक है, एमसीक्यू में जो इसमें थ्योरी में नहीं कवर होगा तो हम एमसीक्यू में उसे कवर कर लेंगे क्वेश्चन के जरिए। ठीक, तो यानी टर्म बायोकेमिस्ट्री टर्म किसने दिए थे, कार्ल नॉरबर्ग दे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट लाइज बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दैट स्टडी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर गिविंग राइज टू लाइफ, मतलब क्या कह रखा इसमें, यह बायोकेमिस्ट्री क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन बिटवीन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एक संबंध बताता है जिसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब किसी भी लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल का एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अभी बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट में जाएंगे तो अब बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, तो उसी केमिकल का यानी केमिकल स्ट्रक्चर गिविंग राइज ऑफ लाइफ, और केमिकल स्ट्रक्चर मिलके हमारी क्या बनाती है, एक लाइफ बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। अब यदि हिंदी में समझना चाहें तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इसे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता उसी की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता। तो लिखा क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना, ठीक, स्टडी ऑफ, ठीक, स्टडी का ही लिख दिएगा ही बायोकेमिस्ट्री कहलाती, मतलब
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लेते हो एक छोटी से बैक्टीरिया आप लेते हैं, तो बैक्टीरिया में देखा जाए तो हमारे अंदर क्या होता है, लगभग लगभग 70% पानी पाया जाता है और सब जितने भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं उसी के अनुसार वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये बताइए क्या होता है, ये बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर एक हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये क्या चलती है, बायोकेमिस्ट्री पूरी अच्छे से चलती है, एकदम से कोऑर्डिनेट मैनर में चलती है। मतलब एक भी परसेंट इधर हुआ उधर हुआ तो हमारी पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक, अब चलिए दवा भी लेते हैं। अब फार्मा जब पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें दवा के बारे में पढ़ेंगे। बताओ दवा भी क्या होगी, एक केमिकल है तो हमारे अंदर जाती है, उस किस केमिकल को, अब तुम सोचो किस केमिकल से बाइंड करती, उस केमिकल की प्रॉपर्टी कैसे सही कर देती, हमारा बुखार सही हो जाता, हमें जो भी चीज़ें बीमारियाँ रहती वो सही हो जाती। तो मतलब केमिकल, अब तुम सोचो एक टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहर, जहर भी एक तरह का केमिकल है मगर वो हमारे लिए क्या होगा, सुटेबल नहीं है, और वही दवा एक क्या हमारे लिए सुटेबल है, और वो क्या कर देती है हमें, यदि डिजीज कंडीशन में तो हमें हेल्दी कंडीशन में लाने की प्रक्रिया को सही करती है। तो बताओ दवा भी केमिकल, जहर भी केमिकल, तो वो केमिकल का हमारे अंदर सारी चीज़ें खेल हैं। ठीक, एक सेल का हमने यहाँ स्ट्रक्चर बना देखा, एक सेल के अंदर, अब तुम सोचो सेल के अंदर यदि जाके देखा जाए तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर आप सुने होंगे न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से सुनिए, ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने क्रोमोसोम है, क्या हो गया, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या है, देखिए क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, देखो क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम। अब उसके अंदर यदि देखा जाए तो क्या हो गया, ये अब तोड़ना स्टार्ट कर दिए, क्रोमोसोम को तोड़ा जाए तो डीएनए, अब डीएनए को तोड़ा जाए तो डीएनए में आप देखे होंगे, ठीक है, आप यदि थोड़ा सा दिखा देते हैं डीएनए, आप ऐसे यदि बनाए होंगे, ठीक है, देखे होंगे, ठीक देखे होंगे इंटर उंटर वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे होगा, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, ये सब होता है कि नहीं, तो वो सब क्या तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है, वो क्या तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो उसी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ रखा गया। अब बताओ उसे और तोड़ा जाए तो एडेनिन अलग, थाइमिन अलग, अब बताओ थाइमिन वगैरह क्या, अब स्ट्रक्चर भी थाइमिन का आप देखेंगे एकदम मजे तरीके से जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो। तो ये बताओ ये एक सेल है, अब सेल से ही देखा जाए तो हम टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम, पूरी एक बॉडी ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो ये बताओ सेल को तोड़ा गया तो एक केमिकल मिला कि नहीं, तो बताओ सेल एक बायोलॉजी है, उसके अंदर भी यानी केमिकल प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। अब तुम सोचो एक सेल को हमने तोड़ा इतना, अब सेल की जो ऊपरी लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुनेंगे फास्फोलिपिड की बनी होती है, अब इस थ्योरी को किसने दिया, सेल थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक, ये बोलते हैं ना सिंगल और निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या मोजैक मॉडल दिया था, तो उन्होंने बताया था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्या किसका बना होता है, बाईलेयर लिपिड प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अब प्रोटीन को यदि तोड़ा जाए तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाए, अमीनो एसिड को यदि तोड़ा जाए तो NH2 ग्रुप निकलता है, कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप निकलता है। अब बताइए NH ग्रुप निकला, अब बताओ वहाँ से यदि तोड़ा गया तो हमारा क्या होगा, एक प्यारा सा केमिकल मतलब एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया। तो ये बताओ सेल को तोड़ा गया तो उस लेवल पे भी हमें केमिकल मिला, मिला कि नहीं। अब आते हैं सेल वाल, सेल वाल हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमें अभी बायोकेमिस्ट्री किस में पढ़नी, एनिमल के बारे में, मगर बता देते हैं सेल वाल देखा जाए, ठीक है, सेल वाल केवल केवल प्लांट में पाया जाता। अब बताओ तुम सेल वाल है, सेल वाल की किससे बनी हो, सेलुलोज की बनी हो, सेलुलोज को देखा जाए तो क्या हो गया, अब इसे और तोड़ा जाए तो सुक्रोज बन गया, शुगर। अब इसे और आगे लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का यदि फार्मूला देखा जाए तो C6H12O6 होता है, क्या होता है, O6 होता है, ये हो गया। अब यदि शुगर का फार्मूला देखा जाए तो यहां पर क्या लिखेंगे, 12 और 22 और O11 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब ये सब कैसे बनाना आप चुटकियों में सीखेंगे, ठीक है, अभी नीचे हम आते हो फार्मूला बता देंगे, किसी को कैसे तुम समझोगे कि कैसे फार्मूला बनाना है तो सब आप इजीली तरीके से देख जाएंगे। अब तुम सोचो एक सेल लेवल पे इतना बड़ा हमारा झालमोल है, ठीक है, किसका, केमिकल का है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये टर्मोलॉजी याद रखिएगा, सेलुलर पूल 2020 में एक पूछा गया था सबसे नीचे वाले क्वेश्चन में, अब 2023 में क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, 23 में आता है, लास्ट में पूछ सकता है आपका सेलुलर पूल होता क्या है, तो ऐसे लिखिएगा,
कलेक्शन और सम ऑफ द टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल इज नोन एज सेलुलर पूल बोलते हैं। पूल समझते हो कि नहीं, जैसे स्विमिंग पूल में नहाए होंगे, ठीक है, स्विमिंग पूल में नहाए होंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, तो उसमें कलेक्शन होता है किसका, वाटर का। तो उसी तरह से किसी भी सेल के अंदर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एक सिंपल सा सेल बनाते हैं, सेल के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, जैसे माइटोकांड्रिया में अलग केमिकल यानी हो रहा है केमिकल रिएक्शन, गाल्जी बॉडी में अलग हो रहा है, न्यूक्लियस में अलग हो रहा है, ठीक, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग हो रहा है, सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग हो रहा है, राइबोसोम अलग हो रहा है, लाइसोसोम अलग हो रहा है, तो बताओ सबके अंदर एक ही सेल के अंदर ये सारी चीजें बायो मॉलिक्यूल चल रहा है कि नहीं। इसी बायो मॉलिक्यूल के क्या बोलते हैं, सेलुलर पूल। ये सब चीज किसके अंदर चल रहा है, सेल के अंदर चल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर पूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर पूल बोलते हैं। इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद आपको हम दिखाते हैं बायो मॉलिक्यूल को कितने में कैटेगराइज किया गया। बायो मॉलिक्यूल को मोस्टली दो में कैटेगराइज किया गया, बायो मॉलिक्यूल, एक हमारा पर माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या होता है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत आता है, ठीक। अब सुनिए, लगभग देखिए क्या होता है, माइक्रो नाम से पता, माइक्रो मतलब छोटा, जैसे कहते हैं माइक्रोफोन हमारे पास है, माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, मॉलिक्यूल मतलब समझ रहे हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे सेल के अंदर एक मिनिमम अमाउंट में मतलब लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। एग्जांपल में अमीनो एसिड, मिनरल एंड फैटी एसिड दे रखा, ठीक। और बहुत सारा क्या होगा, ETC कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसे नहीं कि हम बता सकते हैं। अभी देखा जाए कि ह्यूमन सेल के अंदर लगभग कितने, 10,000 से 1,00,000 तुम्हारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी स्टडी करना अभी भी लोग स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मतलब नाम से ही पता, माइक्रो मतलब जो हमारे सेल के अंदर मतलब हमारे बॉडी के अंदर किसी लिविंग के अंदर लार्ज क्वांटिटी में पाई जाती, किसके लार्ज क्वांटिटी में पाई जाती। जैसे अभी हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी, प्रोटीन की बनी है, यदि प्रोटीन की बनी है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब क्या अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक, इसी के अंतर्गत आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये अब ये सर बता, ये बेइज्जती वाला काम कर दिया आप सर, हम कैसे जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, कि प्रोटीन है, कि लिपिड है, कि फैट है, उसे बताते हैं भाई, एक ट्रिक बताते हैं आपको। सर हम कैसे जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, कि प्रोटीन है, कि फैट है, लिपिड है, कैसे जानेंगे, इसके लिए हमें यहाँ फार्मूला आपको बताते हैं, उसी को आपको सब पे चिपकाइएगा, काम बन जाएगा। देखिए, आप यदि कहीं पर कार्बोहाइड्रेट, यदि नाम से तोड़ा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रेट मतलब पानी होता, क्या होता, हाइड्रेट मतलब पानी होता। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि किसी भी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो समझो क्या, कार्बोहाइड्रेट, क्या है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कैसे बनाना, इसका भी फार्मूला आपको अभी बता देते हैं, क्या समझे, यदि किसी भी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो समझो तुम्हारा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। दूसरा, मान लेते किसी भी कंपाउंड में कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो ऑक्सीजन की तुलना में, यानी कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन की मात्रा ज्यादा हो तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, लिपिड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिपिड यानी फैट कहलाएगा, ठीक है, ये लिपिड यानी फैट कहलाएगा, क्या समझे, किसी भी कंपाउंड में कार्बन की मात्रा ज्यादा रहती है कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड लिपिड फॉर्मेशन बोलेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, लिपिड फॉर्मेशन बोलेंगे। एक चीज और बता देते हैं, अब सर प्रोटीन कैसे हम पहचानेंगे, किसी भी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ गया हो तो हम क्या उसे बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, प्रोटीन बोलेंगे, ठीक। ध्यान से सुनिए, किसी भी बेसिक चीज़ें जानेंगे तो आप बहुत मज़े से क्या करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। किसी भी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन उसे हम क्या बोलेंगे, लिपिड बोलेंगे। किसी भी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। अब ये सब कैसे फार्मूला देखिए, अब देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट के पहचानने का एक तरीका होता है CnH2O का क्या कर देते हैं, यन कर देते हैं। अब कुछ भी तुम बना लो, जैसे ग्लूकोज बनाओ, सर ग्लूकोज बनाइए, ग्लूकोज में हम क्या रखें, 6 रखें, यहाँ पर क्या रखें, 6 रखें, फॉर एग्जांपल में हम 6 यदि रखें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा
और यहाँ से H2O और यहाँ से बगल में 6 रख सकते हैं कि नहीं। अब गुणा यदि कराओ 6 का तो यानी कार्बन 6 तो है ही है, तो 6 दुना 12 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। तो ये बताओ ग्लूकोज बन गया कि नहीं, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। यही ट्रिक है भाई, इसे याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। मगर ये सब पढ़ना, कार्बोहाइड्रेट का डिटेल चैप्टर है, उसमें हम एकदम से मजे तरीके से चुटकी में आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ये समझे, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ से आप हम माइक्रो मॉलिक्यूल को डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट आर माइक्रो मॉलिक्यूल पे आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा इधर तेजी से चलते हैं, ठीक है। लिखा क्या, इट इज प्रेजेंट वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे सेल के अंदर जो चीज थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत रखेंगे। तो क्या लिखा है, इट इज प्रेजेंट वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। नेक्स्ट पे आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल, मतलब किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, किस क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक। नंबर ऑफ दीज मॉलिक्यूल इन सेल आर अराउंड, ठीक है। अब अराउंड देखा जाए तो कितना डाल्टन होता है, देखिए हर बुक में अलग अलग होता है, मगर कहीं कहीं देखो क्या लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाल्टन में होता है, क्या होता है डाल्टन में, 8 से लेके लगभग 500 आप मान सकते हैं, ठीक है। 500 डाल्टन, डाल्टन इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता, क्या होता है, 500 डाल्टन होता। मतलब जब कोई कंपाउंड देखिए उसका 8 से लेके कहीं कहीं 800 लिखा रहता, कहीं कहीं 200, कहीं कहीं 300, कोई टेंशन नहीं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ एज इट इज लिखा है, वहां पर लिखा है 8 से लेके 800 या 8 से लेके 500 डाल्टन तक जो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। अब ये इतने डाल्टन होते हैं, मतलब ये इतने डाल्टन होते हैं, अब माइक्रो इसी का क्या करते हैं, 1000 से जो ऊपर डाल्टन के रहते हैं उसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत रखते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले माइक्रो, ठीक, माइक्रो मॉलिक्यूल यहाँ पर दे रखा। सम एग्जांपल आप माइक्रो मॉलिक्यूल में ये आ जाते हैं, अमीनो एसिड स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक। अब न्यूक्लियोटाइड ये सब सर जी कहाँ बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं, ठीक। अब सर जी ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड होता क्या, इसे हम थोड़ा सा यहाँ से आपको बता देते हैं बगल में, ठीक है। बगल में देखिए, जब कोई पेंटोज शुगर, क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, क्या हो गया, पेंटोज शुगर में हम क्या करते हैं, कोई नाइट्रोजनस बेस, अब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया जाए, तो मतलब किसी भी कंपाउंड में कोई नाइट्रोजन, सॉरी पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार होता है। दोबारा सुनिए, किसी भी पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार हो जाता है। या तुम ऐसे बोल सकते हो, किसी भी नाइट्रोजन बेस में हम यदि पेंटोज शुगर ऐड कर देते तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोटाइड सर्जी का होता है, इसमें बताइए सर, किसी भी न्यूक्लियोसाइड में, यहां पर हम क्या लिखते हैं, किसी भी न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियोसाइड में हम क्या कर ऐड कर दें, फास्फेट ग्रुप ऐड कर दें, क्या ग्रुप कर दें, फास्फेट ग्रुप ऐड कर दें, क्या कर दें, यहां से फास्फेट ग्रुप ऐड कर दें, तो ये जानते हो क्या बन के तैयार होगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा, ठीक। टाइड है तो वाइट है, ठीक, इतना आप समझिएगा, क्या समझे। अब यहीं से आपकी बेसिक चीजें नॉलेज स्टार्ट होती है, दोबारा सुन लो, किसी भी नाइट्रोजन बेस में पेंटोज शुगर ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोसाइड, किसी भी न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो इसका एग्जांपल तुम्हारा अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड शुगर फास्फेट ग्रुप ऐड है यहाँ पर, ठीक। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये पोलर नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं पोलर नेचर के होते हैं, वाटर में आराम से ये क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं। इतना थे तुम्हारे किसके बारे में, माइक्रो। अब मैक्रो के बारे में आते हैं, आपसे माइक्रो देख लेते हैं, ठीक, मैक्रो देख लेते हैं। अब इसी का जस्ट क्या कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, जो वहाँ पर पढ़े हैं तो उसी को क्या कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो काम बन जाएगा। लिखा क्या हो गया, लिखा द मैक्रो याद करना, द मैक्रो मॉलिक्यूल हैव द लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, इसका क्या होता है, यानी लार्ज माइक्रो, ये तुम्हारे क्या होते हैं, 1000 से कितना, 1000 डाल्टन से क्या होते हैं,
एबव यानी इसके ऊपर ही होते हैं, ठीक है। ये इतने तुम्हारे ये डाल्टन के होते हैं। अभी याद रखिएगा 1000 से डाल्टन किसी का मॉलिक्यूलर वेट है तो समझे वो तुम्हारे मैक्रो के अंतर्गत आएगा। किसके? मैक्रो के अंतर्गत आएगा। नहीं समझो तो मेगा भी लिख सकते हो, ठीक। इट इज अ फॉर्मेट बाय द मोनोमर यूनिट ऑफ द पॉलीमराइजेशन, मतलब किसी भी मोनोमर का जब पॉलीमराइजेशन होता तो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पॉलीमर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलीमराइजेशन के दौरान बनते हैं और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर प्रेजेंट होते हैं। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मर मतलब मोनोमर के लिए बोला गया है, ठीक। तो पॉलीमर इसीलिए बोल दिया गया, मतलब इसमें छोटा नहीं कईयों सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन, ठीक। अब क्या लिखा है नेक्स्ट पे आते हैं, मेड अप ऑफ द स्मॉल, ठीक है। देखो स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोनोमर, मतलब ये कैसे बने? मैक्रोमॉलिक्यूल छोटे छोटे मोनोमरों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर किससे बना? छोटे छोटे सेलों से बनकर बना है। जैसे घर आपका बना छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ, ठीक। अब नहीं बोल देंगे हमारे घर सज ईंटों में नहीं लगा है, ठीक है। तो छोटे छोटे कंक्रीट्स तो बना भाई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल में देखा जाए मैक्रोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड आता है, प्रोटीन आता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए, ये सबको डिटेल में आपको देखने की जरूरत है। आगे वीडियो में चैप्टर वाइज जैसे पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। तो ये था किसके बारे में? मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल के बारे में हमने जितना बोला था, यानी बायोकेमिस्ट्री को डिटेल में हमने देखा, इंट्रोडक्शन, मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल को हमने डिटेल में देख चुके हैं, ठीक। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।